हिंदू हूँ और मैं लक्ष्मी पुजारी साउथ इंडियन हूँ और मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्या हिंदू धर्म में मच्छी खाना कोई गुनाह है? मैंने पूछा कि हिंदू धर्म में मच्छी खाना गुनाह है क्या? मच्छी खाना गुनाह नहीं है, बल्कि इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जब युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या देंगे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर पांडव के सबसे बड़े भाई होते, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से, अगर आप भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा एक महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे, अगर मछली देंगे तो 2 महीना, गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरा देंगे तो 5 महीना, सुअर देंगे तो 6 महीना, अगर बर्ड परिंदे देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना, अगर बफेलो देंगे तो 11 महीना, और अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। पूरा मेन्यू दिया है, उसमें मछली भी दी गई है। तो इस्लाम में मछली खाने की इजाज़त है, हिंदुइज्म में भी। ये गलतफहमी लोगों को दिगर मजाहब से मिली, इसका पूरा जवाब जानने के लिए हिंदुइज्म में किस तरीके से आया आप मेरी कैसेट देख सकते हैं। इज नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बींग? क्या गोश्त खाना, उसमें मछली भी आती है, इंसानियत के लिए हराम है कि हलाल है? आप बहन इस्लाम के बारे में जानती है? नहीं। आपने इस्लाम का मुताला किया है? नहीं नहीं किया है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इस्लाम को जानिए। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे अहलिया से कि इस बहन को भी कुरान मजीद का तर्जुमा दे, ताकि इस्लाम के बारे में जाने, दीन हक के बारे में जाने और अमन के बारे में जाने।